इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीएलडी एंड एफपीजीए। तो सीपीएलडी है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस और एफपीजीए है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो फील्ड जो नाम है इसका, वो फील्ड आया है बेसिकली जहाँ पर सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मतलब फील्ड में अगर आप उसको डिज़ाइन कर रहा, सर्किट आपने डिज़ाइन किया तो उसको वहाँ पर ही पूरा सर्किट इस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम फील्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलग से कोई उसको मैन्युफैक्चरर से ही कराना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। तो सीपीएलडी को भी कर सकते हैं फील्ड में, पर स्पेशली इसमें पहले इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, पहले मैन्युफैक्चरर की हेल्प लेनी पड़ती थी, क्योंकि जो इसके स्विच हैं वो मतलब जो ये स्विच हैं कॉन्फिगरेबल स्विच हैं उसके लिए एक स्पेशल अलग तरह का एक पूरा बर्नर चाहिए होता है। मैं बर्नर इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि आपका बर्न करते हैं ना उसको सीडी वगैरह डीवीडी और उसको, है ना, रीराइटेबल। तो ये भी सब रीराइटेबल हैं, इस पर कोई भी आप सर्किट इम्प्लीमेंट करो और वो काम नहीं कर रहा तो उसको हटा दो फिर दूसरा इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। या आपको उसकी ज़रूरत खत्म हो गई सर्किट की, आपको नया सर्किट चाहिए इस पर इम्प्लीमेंट कर दो। तो एफपीजीए और सीपीएलडी में ये है। अच्छा, एक और चीज़ है जो पीएलडी और सीपीएलडी और एफपीजीए में जो डिफरेंस क्रिएट करती है। तो पीएलडी जो है वो सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए, जो पीएलडीज हैं हमारी प्रोम है और क्या है, अब पीएएल है, पीएलए है, है ना, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक और प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो ये तीनों जो हैं ये सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट, सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट। अगर सीक्वेंसर सर्किट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीपीएलडी और एफपीजीए पे, क्योंकि जो पीएलडीज हैं इनके अंदर जो है सिर्फ एंड एरे है और एरे है, और गेट के एरे है और एंड गेट के एरे है। तो फिर उससे तो आपका कोई सीक्वेंसर सर्किट बनेगा नहीं, उसके लिए तो आपको फ्लिप फ्लॉप चाहिए, फीडबैक चाहिए इस तरह का, है ना। फीडबैक तो चलो हाँ, वायरिंग का भी है, वायरिंग का भी है, तो वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है इतनी कि नहीं कि वो वायरिंग कैसे भी उसको कनेक्ट कर सके, उसका भी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैटर करता है। तो सीपीएलडी एफपीजीए, तो सीपीएलडी में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पीएलडी यानी इसमें पीएलडी ऐड करी हैं और इसमें सीक्वेंसर सर्किट बनाने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो यहाँ पर ये सब आ गया, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप इसमें हमारे हो सकते हैं सारे हों, हो सकता है कुछ स्पेशल डिज़ाइन के लिए, अगर आप डेटा सेव के लिए बना रहे हो कुछ इस तरह के लिए तो एसआरडी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, आप उसको काउंटर की तरह ही बनाना चाह रहे हो तो फिर आपको उसमें मिलेगा जेके या टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और आप दोनों के लिए यूज़ कर रहे हो तो दोनों के लिए हो सकता है। तो अलग अलग वर्जन है सीपीएलडी के भी, अलग अलग वर्जन है एफपीजीए के भी, अलग अलग कैपेबिलिटी के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, है ना। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पीएलडी जो है कॉम्बिनेशन सर्किट ही फैब्रिकेट कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं। पर CPLD और FPGA सीक्वेंसर सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे नहीं, ठीक है, ये काम करता है कंप्यूटर। अब जो PLD पे हमने बताया, तो PLD पे हमने छोटे मोटे सर्किट तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से काम हो रहा है, तो वो सिर्फ समझने के लिए है कि इस तरह से काम हो रहा है। बाकी PLD पे भी हम इस तरह सर्किट नहीं बनाते हैं, ना हम उसको कनेक्शन दे रहे हैं या कनेक्शन हटा रहे हैं, उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, वो फ्यूज़ उड़ा रहे हैं, फ्यूज़ ब्लो करा रहे हैं, फ्यूज़ का कनेक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह का काम नहीं करते हैं। पीएलडी एक पूरी इस तरह की डिवाइस है, जैसे कि आपने इंटेल का अगर किसी ने डेस्कटॉप में आपने अगर देखा हो जो इंटेल का प्रोसेसर है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो पहले तो इस तरह का था जब तक पेंटियम 4 था, फिर वो जो कोर ट्यू वगैरह हुआ तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने इनकी जगह ले ली, एक ग्लिच टाइप की बनाई हुई है ना, तो इस तरह की हैं वो, तो इस तरह की पिन हो गई है वो, तो उसको रखते हैं उसके ऊपर एक इस तरह की वो बनी हुई है, स्पाइक सी हैं, स्पाइक क्या बेसिकली पिन है वो, तो प्रोसेसर उसको उसके ऊपर रखते हैं, पता हुआ है किधर डायमेंशन से किधर देना है उसको, और उसके ऊपर इसको फिट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पिन निकाल दी है, तो ऐसी इस तरह की आईसी होती हैं बेसिकली, जो एफपीजीए की या पीएलडी की या सीपीएलडी की, तो इस तरह की आईसी है, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो अब इसके अंदर देखते हैं सीपीएलडी के अंदर क्या है। तो देखो, जो पीएलडी में जो था, पीएलडी यहाँ पर अलग अलग तरह की हो सकता है, अलग अलग तरह की पीएलडी है, हो सकता है कि इसकी जो एक तरह से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या इसकी कैपेसिटी है उसको बूस्ट करने के लिए नंबर ऑफ पीएलडी इसमें बढ़ा दी, ठीक है। पर सीक्वेंसर सर्किट के लिए हमें स्पेशली इसमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो फ्लिप फ्लॉप हैं इधर, अब उनको कनेक्शन देना है, सबको आपस में कनेक्ट करना है कि किधर का और किधर का ये, क्योंकि सीक्वेंसर सर्किट में कुछ इस तरह के मैनर में तो नहीं है कि जैसे कि एंड और गेट है ना, एंड और जो सर्किट रियलाइजेशन है
या सॉफ्ट फॉर्म को हम डायरेक्टली रिराइज कर रहे हैं, तो पहले एंड के एरे चाहिए फिर और के एरे चाहिए, तो इस तरह का तो नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रामेबल है। तो जो इनपुट पिन है यहाँ पर वो आउटपुट भी बन सकती हैं, तो इसलिए इनपुट आउटपुट रखा है, ऐसे ही इनपुट आउटपुट रखा है, क्योंकि जो आपके सिक्वेंसर सर्किट हैं वो कैसे भी फीडबैक आ सकता है, किधर से भी इनपुट दे सकते हैं, है ना, इस तरह का है। तो कैसे भी इसको इनपुट आउटपुट बना सकते हो, तो वो सब डिसाइड करता है हमारा कंप्यूटर। तो ये सारी जितने भी डिज़ाइन है इन पे, जो सर्किट डिज़ाइनिंग होती है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पे होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल। तो उसमें स्पेशली जो इन पे काम करता है, तो उसमें ज़ाइलिंक्स है, विवाडो है, तो शायद विवाडो का ही ज़ाइलिंग है, है ना। एक फिर मॉडल सिम है, पर मॉडल सिम इस पे बनाता नहीं है, मॉडल सिम सिर्फ उसको क्या करता है, चेक करता है। तो जो लीडिंग कंपनी है वो ज़ाइलिंक्स है, इस पे मैंने काम किया है और एफपीजीए पे काम किया है, उस पर सर्किट फैब्रिकेट करके देखा हुआ है। तो ज़ाइलिंक्स, विवाडो एक मॉडल सिम है, ये सिर्फ उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करता है, सिमुलेटर है। तो ज़ाइलिंक्स जो है ये क्या करता है, दोनों काम करता है, ये सिमुलेट भी कर सिमुलेटर भी है और साथ में ये सिंथेसाइज करता है सर्किट को, इम्प्लीमेंट करके भी देख सकता है, पूरा सर्किट बना देता है, पूरा लेआउट बन के आ जाएगा आपका। तो दो लैंग्वेज हैं इसकी, एक एचडीएल पे ही काम करता है, तो एचडीएल में दो हैं, एक है आपकी वेरीलॉग एचडीएल, वेरीलॉग एचडीएल, और एक है वीएचडीएल। तो वेरीलॉग एचडीएल वीएचडीएल नहीं है, ये अलग है, है ना, वीएचडीएल और ये वीएचडीएल। तो ये है वेरी हाई स्पीड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये एचडीएल का मतलब है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो जो सर्किट है डिजिटल सर्किट उसको डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज है, तो दो लैंग्वेज हैं, वेरीलॉग एचडीएल और वीएचडीएल। तो इन दोनों से, दोनों लैंग्वेज में से किसी एक पे आप अपना सर्किट बना सकते हो, और उसके बाद टारगेट एफपीजीए, तो बहुत सारे नंबर ऑफ एफपीजीए हैं, जितनी भी एफपीजीए ज़ाइलिंग निकालता है उसने सारी अपनी एफपीजीए उस पर डाली हुई हैं, कि कौन सी आपको एफपीजीए पे उसको बंद करके देखना है, तो उसको आपको उसको बंद करके देख लो। अगर आपका उसमें टेस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के बाद वो ओके है, तो उस पार्टिकुलर एफपीजीए को मार्केट से खरीद के लाओ, उसके बाद कंप्यूटर की यूएसबी से उसको कनेक्ट करो उसके बर्नर को, और ज़ाइलिंग की हेल्प से उसको बर्न कर दो, तो बर्न कर देंगे तो पूरा सर्किट इस पे आ जाएगा। तो कौन सी जो आपकी आईसी है, मतलब वो पूरा बन के आ जाता है, तो किन किन पिन को आपने इनपुट लिया है, किन किन पिन को आउटपुट लिया है, कौन सी पिन पे कौन सा इनपुट है, कौन सी पिन पे कौन सा आउटपुट है, वो सारा आपका जो है सिस्टम पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको आप उसको बर्न कर दोगे, तो बर्न करने के बाद वो पार्टिकुलर जितने पिन हैं जिसको आपने इनपुट बनाया था, तो उन पिन पे आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो, तो ठीक ही होता है ना, मतलब ओके, वर्किंग जो है उसकी बिल्कुल ठीक होती है। तो कभी कभार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कि हमें वो गलती हमारी होती है, सिस्टम की गलती नहीं होती है, कि हमने सर्किट कुछ इस तरह लिया, उसने वार्निंग आई और हमने उसको देखा नहीं, उसको इग्नोर कर दिया, सही है। कुछ एरर आ जाती हैं, तो वार्निंग को भी मतलब इग्नोर नहीं करते हैं, एरर है तो फिर तो होगा ही नहीं, पर अगर वार्निंग आ जाती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करा देता है, पर कभी कभार वर्स्ट केस में वो गड़बड़ आ जाती है। खैर, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, तो अभी हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, तो यहाँ पर ये प्रोग्रामेबल स्विच मैट्रिक्स है पूरी, और ये क्या है, ये पीएलडी को आपस में कनेक्ट करता है, फ्लिप फ्लॉप को भी आपस में कनेक्ट करता है इनपुट आउटपुट के साथ, ठीक है। तो कौन सा इनपुट बनाना है, कौन सा आउटपुट बनाना है, वो सब मशीन डिसाइड करेगी, मतलब डिसाइड हम ही करेंगे, पर होगा सब मशीन पे ही, और उसके बाद मशीन इसको बर्न कर देगी। तो वो पूरा जो एक फाइल बनती है, जो फाइल इसके अंदर आके बर्नर के पास आती है, और बर्नर फिर क्या करता है, उसके हिसाब से इन स्विचेस को कनेक्ट करता है, कि कैसे कैसे इसको पूरा सर्किट बनाना है, क्लियर है। तो कोई सर्किट हमने बनाया, और उसके बाद हमने उसको सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर में ही बनाया, और सॉफ्टवेयर ने उसको क्या बनाया, बर्न करने के लिए बर्नर को दिया, और बर्नर क्या करेगा, वहाँ पर इस सर्किट को कन्फिगर कर देगा, कन्फिगरेशन बना देगा, उसकी सर्किट बना देगा पूरा। तो कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट है, वो सब हमें सिस्टम से ही पता लग जाता है, उसके बाद उस इनपुट और उस पार्टिकल आउटपुट पिन पे हम अपना सिस्टम लगा के, बाकी का जो हार्डवेयर लगा के चेक कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सीपीएलडी और एफपीजीए के कंपैरिजन में। तो जो सीपीएलडी है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एफपीजीए के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो गेट हैं इसके एफपीजीए के बहुत ज़्यादा हैं, और सीपीएलडी के इसके कंपैरिजन में बहुत कम हैं, है ना, पर पीएलडी से ज़्यादा है। तो छोटे मोटे सर्किट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं सीपीएलडी को, पर अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बनाना है, तो उसके लिए हमें एफपीजीए पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा मोटा माइक्रो कंट्रोलर इस पर भी बन जाएगा, सीपीएलडी पे भी। तो कोस्ट का भी फर्क है बेसिकली, जो सीपीएलडी है वो कुछ हज़ार की है, ये हज़ार से लेके ये लाखों तक पहुँचती है एफपीजीए, है ना।
पर एक आईसी अगर आप बनवाने जाओ, आपने सर्किट बनाया, उसकी लेआउट बनाए और सर्किट को दे दिया आपने फाउंड्री पे, जहाँ पर ये हमारी बन के आती है इंटेल की आईसी वगैरह इस तरह की, है ना, या अपने जो हमारा स्मार्टफोन है एंड्रॉयड फ़ोन उसकी आईसी है ना, वो कहते हैं ना ऑक्टा कोर प्रोसेसर ये सब स्नैपड्रैगन और ये क्वालकॉम का, तो ये जब जहाँ से आईसी सब ये फैब्रिकेट होती हैं, अगर एक आईसी बनवाओगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। यानी पेन ड्राइव अगर आप 300-400 रुपए की अब मिल जाती है, जब स्टार्टिंग में आई थी तो इसकी कॉस्ट ही 3-4 हज़ार होती थी और साइज बहुत कम था, पर जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो साइज उसका जो प्राइस है वो कम होता चला गया और साइज भी बढ़ता चला गया, है ना, तो डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको 2-4 आईसी चाहिए और उसको आप कस्टम आईसी बनवाने जा रहे हो, मतलब उसको फाउंड्री से फैब्रिकेट कराओगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा। पर अगर आप वो करोड़ों में पड़ेगी, अगर आप एफपीजीए पे अगर आपको सिर्फ 1-2 सर्किट बनाने, तो 1-2 लाख की एफपीजीए खरीद के लाओ और अपना वो पार्टिकुलर जो सर्किट है इस पे करो इम्प्लीमेंट और उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी एम्बेडेड एप्लीकेशन वाले हैं या जितने पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो भी रिसर्च कर रहे हैं डिजिटल आईसी डिज़ाइन पे इस तरह का, एक तो होता है बैकएंड पे तो ट्रांजिस्टर लेवल का हो गया, एक अगर बेसिकली एम्बेडेड पे जो काम कर रहे हैं, तो एम्बेडेड में अलग अलग तरह की एप्लीकेशन है, है ना, जैसे कि कार है, कार में भी हमारे लगभग 100 से भी ज़्यादा हमारे माइक्रो कंट्रोलर लगते हैं, सबकी इंडिपेंडेंट बनाते हैं, एक से ही कनेक्ट नहीं करते हैं सारे सिस्टम को। तो कार हो गई, हमारे होम अप्लायंसेस हो गए, हमारा टीवी हो गया, टीवी में बहुत सारे फीचर दे दिए हैं, तो उसका भी माइक्रो जो कंट्रोलर है वो भी अब काफ़ी पावरफुल हो गया टीवी का, स्मार्ट टीवी के नाम से जो आ रहा है। मोबाइल का तो अब खैर हो ही गया है। फिर उसके बाद हमारे लैपटॉप वगैरह ये सब हैं, तो जितने भी हमारी स्मार्ट डिवाइसेज हैं सबके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। उसको सबसे पहले अब जो भी हमारे, चाहे हम मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, है ना, डीआरडीओ वाले जो भी हैं, तो सब जो पहले सर्किट बनाते हैं वो सब एफपीजीए पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको चेक करके देखते हैं। अगर हमें कमर्शियली उसको उतारना है तो हम उसको फाउंड्री में लेके जाएंगे, अगर उसको कमर्शियली मार्केट में उतारना है। अगर कमर्शियली मार्केट में नहीं उतारना है और 1-2 से ही बनाने हैं, तो एफपीजीए पे ही वो पूरा, उसको एफपीजीए पे बर्न किया, वहाँ से वो पार्टिकुलर एफपीजीए निकाली, क्योंकि वो पूरा जो किट है वो बर्नर की है, तो वहाँ से उस पूरी किट निकाली और उसके बाद उसको अपने सिस्टम पे लगा दी जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो एज ए प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर वो काम करेगा, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए, सर्किट की प्रोटोटाइपिंग के लिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे आपका सैमसंग है, है ना, सैमसंग की तो पूरी अपनी R&D डिवीज़न है, LG की भी अपनी पूरी R&D डिवीज़न है, तो तोशिबा है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो अपने टीवी के लिए पहले फीचर कौन कौन से चाहिए उसके लिए आईसी जो बनाते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी बोलते हैं उसको, माइकोन आईसी बोलते हैं शायद वीडियोकॉन वाले, यहाँ ये कुछ और नाम देते हैं, तो है माइक्रो कंट्रोलर ही आईसी बेसिकली। तो अलग अलग फीचर के हिसाब से उस माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या हमारे फंक्शन होने चाहिए, वो माइक्रो कंट्रोलर को उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद जब वो डिज़ाइन हो जाता है तो उसको एफपीजीए पे फैब्रिकेट कर देते हैं, वो फैब्रिकेट करने के बाद उसको चेक करके देखते हैं कि हाँ ये स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफपीजीए के जो ब्लॉक हैं इनके नाम भी लिख देते हैं, तो इनपुट आउटपुट ब्लॉक तो है ही, जो SM है इसका मतलब है स्विच मैट्रिक्स, ठीक है। तो अलग अलग स्विच हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो CLB से ही कनेक्ट हैं, इसके नीचे से भी स्विच आ रहे हैं, सही है, तो लेयर में है। तो CLB जो कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक, CLB जो है वो है कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक, और कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब है जितने भी आप तक अपने सर्किट पढ़े हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट हैं, तो कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारा एडर है ना, मल्टीप्लायर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर्स हैं, तो सब कुछ इसके अंदर है एफपीजीए के अंदर। CLB बॉक्स में कुछ है LUT बोलते हैं लुकअप टेबल। तो लुकअप टेबल की जरूरत कहाँ पड़ती है, देखो अगर मैं कुछ 100 की टेबल मुझे चाहिए, ठीक है, या 98 की टेबल चाहिए, तो बार बार मैं उसको एक उसके लिए तो फिर मैं जब अगर मल्टीप्लिकेशन करने लूँगा तो मेरा तो प्रोसेसर ही मल्टीप्लिकेशन ही करता रह जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो 98 की एक वो मल्टीप्लाई 4 से करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दे देता हूँ मल्टीप्लायर को, जो सर्किट है, या इससे भी बड़ा कोई सर्किट है, मतलब जो मल्टीप्लाई करने वाला है, तो अगर मैं मल्टीप्लायर को दूंगा तो मल्टीप्लायर बहुत टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। तो इसको क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू को 98 मल्टीप्लाई बाई 2, इन सब को क्या कर दिया, मेमोरी में फिल करके रख दिया, सेव करके रख दिया,
पहले से ही पहले, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरह का आया वहां से वो वैल्यू उठाई और आउटपुट पे दे दी, ठीक है, कुछ और करना ही नहीं पड़ा, ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी ना कुछ और करना पड़ा। तो ये सब है लुकअप टेबल। ऐसे ही इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 62 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पे क्या आएगा, तो वो सब वैल्यू फिल कर देते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा, तो उस सबको उस तरह से फिल कर देते हैं। और जब भी उसको आपको चाहिए तो वो वहाँ से क्या है उस वैल्यू को उठाता है और दे देता है। तो ये है मेमोरी लुकअप टेबल। तो मेमोरी है तो इसको लुकअप टेबल बोलते हैं, मेमोरी या, और ठीक है कॉम्बिनेशन सर्किट हो गए। उसके बाद हमारी स्पेशली मेमोरी है एस रैम, रैम टाइप में रैम रोम इस तरह की हमें चाहिए, रैम हो गया या प्रोम हो गई, प्रोग्रामेबल रोम चाहिए, ये वो भी इसके अंदर है, सब सीएलबी के अंदर है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और फिर हमारे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, तो फ्लिप फ्लॉप में अच्छा अब क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें फ्लैश मेमोरी भी है। फ्लैश मेमोरी बड़ी यूज़फुल है अगर आप एक माइक्रो कंट्रोलर टाइप का बना रहे हो तो फ्लैश मेमोरी, तो एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या डिफरेंस है बाकी मेमोरी से, जैसे कि ई प्रोम है, ई प्रोम तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी और इसमें डिफरेंस ये है, ये टाइम लेती है लगभग 1-2 मिनट लेगी पूरा उसको, जो पहले जो उसमें रोम में जो पहले कुछ लिखा हुआ है उसको डिलीट करने में, पर जो फ्लैश मेमोरी है वो 1-2 सेकंड में ही काम खत्म, 1-2 सेकंड में ही सारा हो। जैसे कि हमारी पीडी है ये सब उसमें, ये बेसिकली क्या है फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। तो पहले आती थी ई प्रोम, तो ई प्रोम जो है ये बेसिकली जो है फ्लैश मेमोरी ज़्यादा रिलायबल है, ई प्रोम जो है ये ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी में तो एक बार अगर आपका गलती से डेटा मतलब उसको डिलीट भी कर दिया तो चलो उतना बड़ा नहीं है कि हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि हम उसको अगर डिलीट हो गया तो कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर अगर इस तरह का है कि कोई डेटा आपका बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का है और उसको गलती से अगर ऐसे ही डिलीट हो जाता है सेकंडों में, तो उसके लिए ई प्रोम टाइप की डिवाइसेस चाहिए, है ना। तो उसके लिए स्पेशली हमें एक बर्नर लगाना पड़ता है, तो पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है, तो वो जब ही करेंगे जब हमें करना पड़ेगा, तो गलती से कोई डेटा नहीं जाएगा, है ना, करने से ही जाएगा, तो ये पूरा प्रोसीजर है इसको डिलीट करने का। तो FPGA के अंदर सारे ब्लॉक हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये आपस में जो स्विच मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पर आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा था, तो ऐसे यहाँ पर जो स्विच मैट्रिक्स है ये इन पार्टिकुलर जो भी हमारे CLB के अंदर ब्लॉक हैं तो स्विच हैं, और इसके अंदर इन ब्लॉक के अंदर भी वो वहाँ पर इसके अंदर भी स्विच हैं, तो वो सर्किट यहाँ पर पूरा उसको कन्फिगर करते हैं और उसके बाद कौन सा इनपुट देना है कौन सा आउटपुट देना है वो सब हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कंपेरिजन में ये बुल है तो ये एलिफेंट है, ठीक है, एक तरह से फंक्शनैलिटी में भी फ्लेक्सिबिलिटी में भी, ठीक है। बुल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एलिफेंट भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ना, वो सारे कई सारे काम कर देता है, तो बुल तो सिर्फ या तो काम करने के उस पर देखें तो एलिफेंट से बहुत ज़्यादा काम करा सकते हो बुल के कंपेरिजन में। साइज़ का भी देखें तो बुल, मैं बेसिकली ये बुल एलिफेंट मैंने लिया था साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये बुल है ये एलिफेंट है क्योंकि नंबर ऑफ इसमें जो गेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना, FPGA में। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप हैं तो ये वेरीलॉग SDL VHDL पे काम जरूर करें। ये आपकी मॉरिस मैन अगर बुक रेफर कर रहे होगे तो उसमें भी वेरीलॉग SDL से कुछ प्रोग्रामिंग दी हुई होगी। तो ज़ाइलिंग्स टूल होगा, नहीं है तो मिल जाएगा आपको, इस पर मिल जाएगा, इस पर काम करके देखो, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसमें काम करना है। तो एम्बेडेड पे जो काम करना चाहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम पे या एम्बेडेड इंजीनियर की तरह काम करना चाहते हैं या IoT पे काम करना चाहते हैं, वो सब एक बार ये तो ज़रूर पढ़ लें Xilinx और FPGA के बारे में, क्योंकि ये आगे तुम्हारा इनसे ही नाता होने वाला है फिर, है ना। बाकी और भी है एम्बेडेड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, पर अगर आप एक पूरा कंप्लीट सिस्टम अपने आप ही बना रहे हो तो आपको फिर ये चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। और इनमें डिफरेंस एक इस तरह का हो सकता है कि जो यहाँ पर स्विच हैं वो हमारे फ्लोटिंग गेट टाइप के हैं, तो फ्लोटिंग गेट में क्या है वो बेसिकली ई प्रोम में यूज़ करते हैं, तो ई प्रोम पढ़ाएंगे तो तब देखेंगे, बस डिफरेंस लिखने के लिए हो गया। यहाँ पर जो है ये एंटी फ्यूज टाइप टेक्नोलॉजी है, जो स्विचेज हैं इसके एंटी फ्यूज टाइप, ठीक है।
तो कहने का मतलब है जो फ्लोटिंग गेट टाइप के हैं इसको अगर मुझे एक मैंने सर्किट्स पे इंप्लीमेंट किया हुआ है पहले से ही, अगर मुझे दूसरा सर्किट इंप्लीमेंट करना है, पहला वाला हटाना है, तो उसके लिए इरेज करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा सीपीएलडी वाले केस में। यहाँ पर क्या एंटीफ्यूज वाले टाइप के हैं, वो फटाफट ब्लोन हो जाते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका एक तरह से रीराइटिंग जो टाइम है एफपीजीए का वो बहुत कम है, इसका ज़्यादा है ना। तो अच्छा, अब इनके एक मैन्युफैक्चरर की लिस्ट और बना लेते हैं दोनों की, कौन कौन सी कंपनी है जो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं। उसमें एक है जाइलिंग, ये लीडर है इनकी, और इसमें भी इसकी एफपीजीए की जो सीरीज है एक वर्टेक्स है, उसको आप डेटा शीट इसकी निकाल सकते हो, एक स्पार्टन है इसकी निकाल सकते हो, स्पार्टन की निकाल लेना, वर्टेक्स की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फिर जो और कंपनी है एक्टेल है, सही है, और एक्टेल हो गई, उसके बाद और कौन कौन सी हैं। एक्चुअली मैंने जो काम किया है मैंने वर्टेक्स पे काम किया है जाइलिंग्स की, वो तो जाइलिंग्स का ही टूल था, जाइलिंग्स है, विवाडो है ना, एक्टेल हो गई, उसके बाद है साइप्रस सेमीकंडक्टर है, उसके बाद हमारी एक लैटिस सेमीकंडक्टर है, एटमेल भी आ गया है इस फील्ड में, फिर एक एल्टेरा भी है, एल्टेरा को कैसे भूल गए, एल्टेरा का भी जाइलिंग और एल्टेरा ही लगभग दोनों ये आपस में कंपटीटर हैं, जैसे सैमसंग है और वो दूसरा कौन सा है, एप्पल हो सकता है, सैमसंग एप्पल, चलो सैमसंग की जगह सैमसंग फ़ोन को ले लेते हैं और शिओमी को ले लेते हैं, तो उन दोनों का देखते हैं, सही है। तो ऐसी जाइलिंग और एल्टेरा ये टक्कर की कंपनियाँ दोनों, एक्टेल है, साइप्रस है, लैटिस, एटमेल बेसिकली माइक्रोकंट्रोलर बनाती है, अभी एफपीजीए भी बनाने लगी है, और पीएलडी बनाती है, ये कंपनी जो है ये सीपीएलडी भी बनाती हैं, सही है। तो इनमें से एक आधी कंपनी जरूर होगी जो पीएलडी भी बनाती होगी, है ना। तो पीएलडी बेसिकली छोटी डिवाइस है, तो उसमें ज़्यादा रिसर्च की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो जाइलिंग वर्टेक्स वगैरह है इनके फीचर बहुत ज़्यादा हैं, ये अपने आप में ही पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं, और किसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो, सारी एप्लीकेशन में आप उसको लगा सकते हो। तो बहुत सारे तो इसमें वाईफाई वगैरह और इस तरह का पूरा नेटवर्क बना कर देते हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, है ना। तो आपकी एप्लीकेशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको एफपीजीए मिल जाएगी, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, अपना सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकता हूँ, इसमें अगर कोई आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर दें, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर उठता हूँ किसी लेक्चर में, है ना। तो जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के ब्लो डायग्राम बनाना है, और ये सीएलबी वगैरह इनको बता देना है, फ्लेक्सिबिलिटी बता देनी है, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं वो बता देना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ बताया है वैसे, तो बस ये सब लिखना है, बाकी तो इसमें आपको सर्किट इसमें इंप्लीमेंट करके दिखाई नहीं सकते, ये सब काम करेगा सॉफ्टवेयर ही, ना इसमें कोई दिखा सकते हो ना इसमें दिखा सकते हो, बस इनको ये बता सकते हो कि आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं इस तरह से, और सब जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, बस बात खत्म हो गई। और क्या बात करने के लिए, कुछ नहीं, बस काम ही करने के लिए इन पर, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ठीक। चलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ, स्विचिंग स्विच मैट्रिक्स हो गई, सीएलबी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, चलो कुछ छूटा नहीं है, अगर कुछ है इसमें डाउट तो आप मुझे मेंशन करना है कमेंट में।